भाई सुशील गौतम जी, जयदीप। सबसे पहले भाई चंद्रशेखर की रिहाई के लिए जो आपने जन समर्थन दिया यहां पर और सरकार पर एक दबाव बनाने का जो काम किया, मैं आपको सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुशील गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सुशील गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सुशील गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम चंद्रशेखर भाई की रिहाई के लिए बात करने आए हैं यहाँ। हम सरकार को बताने यहाँ आए हैं कि हम उस हर नेता के साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हैं जो समाज में एक चेतना फैलाने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई कर क्या रहे थे? वो लोगों को शिक्षित देने का, शिक्षा देने का काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे और अपने समाज को एक चेतना देखेगा और आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। जब सतीशपुर की घटना होती है तो चंद्रशेखर भाई सरकार के सामने, प्रशासन के सामने न्याय के लिए जा रहे थे, उनके साथी न्याय के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उनसे मुठभेड़ करता है और उसमें कुछ कमियां होती हैं और लोग आवेश में आते हैं और दोनों तरफ से वो तलवारबाजियां होती है। लेकिन चंद्रशेखर भाई पर 110 लोगों के साथ जेल में डाल दिया गया और चंद्रशेखर भाई को और रासुका लगा दी गई। चंद्रशेखर भाई पर 27 केस थे, 27 कोर्ट ने उन्हें 27 केसों में जमानत दी गई और कोर्ट ने भी माना है कि इन पे ऐसे कोई भी संगीन अपराध नहीं बनते। लेकिन सरकार ही नहीं चाहती, ये योगी मोदी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी समाज में चेतना फैलाने का काम करे, लोगों को शिक्षित देने का काम करे और इनकी गलत नीतियों को उजागर करने का काम करे। उन्होंने 27 केसों में जमानत मिलने के बाद भी 3 महीने की रासुका बढ़ा दी गई। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि ऐसे समाज से भी समाज में रहे और चैन और समाज में रहे और सेवा करें। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो चल रही है, ये ब्राह्मणवादी सरकार, मनुवादी सरकार और आरएसएस के पुर्जे, आरएसएस की नीतियों पर जो सरकार चल रही है, जो देश में भगवा आतंकवाद फैलाए हुए हैं, ये बताते हैं कि हमारे पंजे में सब कुछ है, न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि 4 जज ने लोकतंत्र को खतरा बताया, जिसमें शुरुआत जस्टिस कर्णन ने की, लेकिन कर्णन क्योंकि वो दलित थे, पिछड़े समाज से आते थे, उनकी आहुति इस सरकार ने ले ली। लेकिन उन्होंने एक संदेश जरूर दिया, समाज में चेतना फैलाने का काम किया, लेकिन ये वो जज जो 4 जजों ने जो बात अपनी मुद्दे पर रखी, लोकतंत्र को खतरे में भटकाया, उनको भी दबा दिया गया है और उन्हें भी अब बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं इन लोगों को बताने देना चाहता हूं जो सरकार में है और जो आरएसएस की नीतियों को चाहते हैं और यहां भगवा आतंकवाद फैला रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने गोधरा कांड करवाया, कोरेगांव की घटना कराई, उना की घटना कराई और अभी अभी कासगंज में घटना कराई। विपिन जो पुरगाजी मुजफ्फरनगर में एक लड़के को पीटा गया, हम उन लोगों में से नहीं है। हम उन लोगों में से हैं जो देश में न्याय व्यवस्था चाहते हैं। हम चाहे तो चंद्रशेखर भाई को कल ही जेल से तोड़कर बाहर ला सकते हैं। हम कल ही जेल से तोड़कर बाहर ला सकते हैं, लेकिन हम न्याय पसंद लोग हैं, हम न्याय को जानते हैं, इसीलिए संविधान ने जो 12 साल में हमें अधिकार दिए, हम सड़कों पर भी लड़ाई उनके लिए लड़ेंगे और जो न्यायालय में भी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, चंद्रशेखर भाई की, सिर्फ क्योंकि ये चंद्रशेखर भाई से मुद्दा जुड़ा हुआ था, मैं सिर्फ चंद्रशेखर भाई की बात करूंगा। हमें ये कसम खानी है कि हम लोग चंद्रशेखर भाई के साथ जब तक रहेंगे तब तक वो जेल से बाहर नहीं आते और उन्हें समाज के सामने एक बड़ा लीडर बनाकर रहेंगे।
जाएंगे।